वेलकम बैक टू गाइस माय यूट्यूब चैनल नोटेक्स वेब। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आप एक यूट्यूब चैनल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी तकलीफ के। और बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि आप एक प्रॉपर यूट्यूब चैनल कैसे। अब लोग यूट्यूब चैनल क्रिएट तो कर देते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इसको वेरीफाई कैसे करना है, इसको क्रिएट कैसे करना है, इसको चलाना कैसे है। तो आज मैं आपको सारा वो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा या फिर डीएम कर दीजिएगा, मेरा नंबर बायो में अवेलेबल है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में यूट्यूब का टैब खोल लेना है, पर ऐसा उसमें जीमेल लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको इधर तो अपना आपको एक YouTube चैनल बनाने के लिए तो आपको इस तरीके का गूगल का टैब खोल लेना है जिसमें आपका अकाउंट हो। अभी मेरे को इस अकाउंट में जो अपना YouTube चैनल बनाना है तो अपना ये अकाउंट मैं क्रिएट कर देता हूँ। और यहाँ पे अभी मेरे को अपना टैब खोलना है, इसको मैं गोटेड कर देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है .youtube। अभी आपको क्या करना है, अभी आप स्क्रीन पर आ गए, अभी आपको करना क्या है, अभी आपको यहाँ पर अपने अकाउंट का लोगो दिख रहा होगा कोने में, बिल्कुल एक कॉर्नर में। ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला आपका गूगल का टैब होगा, नीचे वाला आपका यूट्यूब का अकाउंट का टैब होगा। तो आपको इधर क्लिक करना है अपने लोगो में। तो इधर आप देख सकते हैं कि इधर एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ चैनल, अभी आपको इधर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपसे पिक्चर मांगेगा, हैंडल और ये नेम मांगेगा। तो आपको सेलेक्ट पिक्चर कर लेनी है, यानी आपको अपना लोगो लगा लेना है जो आपको अपने यूट्यूब चैनल पर लगाना हो। तो आप कोई भी लगा सकते हैं इसके अंदर। अभी आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने एआई से मेरे को बहुत सारे लोगो प्रोवाइड कर दिए हैं। तो इधर आपको बहुत सारे लोगो दिख रहे होंगे, जैसे मैं अभी ये रख देता हूँ। मैंने इसको जैसे क्लिक किया तो अभी ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर पे लगने वाला है। अभी ये हमसे देखे, अभी ये अपने लोगो का अपनी एडिटिंग मांग रहा है कि आपको अपने किस कलर कॉम्बिनेशन में चाहिए, कैसे चाहिए। अभी मैं जैसे ग्रीन वाला करके अभी इधर डन कर देता हूँ। अभी ये प्रिपेयर हो रहा है और ये प्रिपेयर हो गया है। अभी आप देख सकते हैं कि आपके सामने इधर ये देखें लोगो लग गया है। अभी आपको पिक्चर अपना लोगो लग गया है। अभी आप इसको अपना चैनल का नेम दे सकते हैं, आपको जो भी नेम रखना है। आपको नेम रख देते हैं यूट्यूब स्टूडियो, आप इधर रख सकते हैं यूट्यूब स्टूडियो, YT स्टूडियो, आप जो भी अपना नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और हैंडल तो ये खुद बना के देगा, आप अपने मतलब का हैंडल नहीं बना सकते। आप बनाएंगे तो एरर मारेगा, खामखा कोई ना कोई इशू हो जाएगा। तो आप इसको छोड़ दें, आपको सिंपली इधर अपना लोगो डाल के नाम लिख के और क्रिएट कर देना है। तो इधर आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अभी आपको आगे क्या करना है, काफ़ी लोग यहाँ पर आके छोड़ देते हैं इसे और आगे नहीं बढ़ते। अभी इसकी वेरीफिकेशन करनी होती है, आइडेंटिटी करनी होती है, बहुत सारे लोग कोई भी नहीं करता, उसकी वजह से उनकी वीडियोज़ आज तक व्यूज़ में नहीं गई हैं। ये देख सकते हैं कि जो रेड मूवमेंट में लिखा आ रहा है कि यू एन एच चैनल हैज़ बीन क्रिएटेड, चेक बैक एंड फ्यू मूवमेंट्स। आपका चैनल क्रिएट हो चुका है, आप इसे कुछ लम्हात में देख सकते हैं। तो अभी मैं सिंपल इधर ही अपने लोगों पे क्लिक, अभी आपका चैनल इधर से क्रिएट हो गया है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इधर आना है, अभी आपको इधर आना है अपने होम ब्राउज़र में। जैसे आप इधर होम में आएंगे, अभी आप देख सकते हैं कि आपका चैनल इधर आ गया है। जैसे आप इसको ऑप्शन से क्लिक करेंगे, आप अपने इधर जाएंगे यूट्यूब स्टूडियो। अभी आप देख सकते हैं कि आपका चैनल क्रिएट हो गया है, लेकिन अभी आपको थोड़ी सी एडिटिंग इसमें और करनी है। तो अभी YT स्टूडियो आपको खोलना पड़ेगा लाजमी। अभी इधर आपको सेटिंग में ही यूट्यूब स्टूडियो का ऑप्शन मिल गया है, आप इसको खोल सकते हैं। जैसे ही आपने यूट्यूब स्टूडियो क्लिक किया तो आपके सामने एक नया टैब खुल के सामने आ जाएगा। और इसके बाद हमारा होगा असल काम शुरू। अभी तो ये हमारा सिर्फ चैनल क्रिएट हुआ है, अभी इसको ही वेरिफिकेशन भी होगी। ये देख सकते हैं वेलकम टू दी यूट्यूब स्टूडियो, आप इसको कंटिन्यू कर दें, इसको आप यहाँ से क्लोज कर दें। अभी आपने क्या करना है, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास इधर YT स्टूडियो खुल के आ गया है। अभी आपको क्या करना है, तो इधर आपको इधर
ये देख सकते हैं कि आपको इधर सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इसको सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इधर पांच तरीके की सेटिंग्स खुल के आ जानी है। आप देख सकते हैं कि इधर आपके सामने इधर 6-7 सेटिंग्स खुल गई हैं। अभी आपको इन सेटिंग्स में सारे काम करने हैं। इन सेटिंग्स के बगैर आप सारे काम नहीं कर सकते, यूट्यूब पे कोई वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर सकते। आपको बताऊंगा कि इनके नुकसान क्या है, उनके फ़ायदे क्या हैं। अभी जनरल में ये करेंसी मांग रहा है, करेंसी आपको देनी पड़ेगी, उस हिसाब से आपके यूट्यूब वीडियोज़ के व्यूज़ वगैरह आते हैं। तो अभी आपको इधर जैसे ये लिखा हुआ है, देखिए अभी PKR, अभी PKR मीन्स पाकिस्तानी करेंसी होती है ये। जैसे आप पाकिस्तानी रुपीज़ को क्लिक करेंगे ये तो डन हो जाना है। और फिर आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये चैनल, चैनल में आपको इधर अपने कंट्री का रेसिडेंस सर्च करना है। रेसिडेंस आपको मिलेगा इधर पाकिस्तान, जैसे मेरा पाकिस्तान है, आपको जो हो जो कंट्री हो, देखिए इधर सारे कंट्रीज़ का नाम है, किसी कंट्रीज़ का आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आप पाकिस्तान, और आपको इधर कीवर्ड्स ढूंढने हैं, आपको इधर कीवर्ड्स देखना है कुछ भी, जैसे जिससे आपका जो यूट्यूब चैनल वो व्यूज़ में आ जाए। अभी जैसे मैं इधर लिख के आगे लिख देता हूँ, जैसे YT स्टूडियो, उसके बाद इधर लिखूँगा मैं अभी कोमा देके, आपको जो भी लिखना है इधर कोमा देके आप इधर टैग लगा सकते हैं। इसकी वजह से आपके कीवर्ड्स होते हैं बहुत ही काम के होते हैं, ये कीवर्ड्स बहुत ही काम के होते हैं। इधर आप अपने कीवर्ड्स डाल सकते हैं, जैसे गोइंग टू यूट्यूब, ये आपका हो गया क्रिएट इधर। अभी इधर आपको जो कीवर्ड यूज़ करने हैं आप कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल दो ही कर रहा हूँ, अभी इतने नहीं कर रहा। उसके बाद आपको आ जाना है इधर एडवांस सेटिंग में। अभी इधर आपके ये रेस्ट्रिक्शन मांगेगा, अभी रेस्ट्रिक्शन में आपको मैं किस की आपका कंटेंट क्या है, आपको उस कंटेंट के हिसाब से इसको आपने एडवांस सेटिंग में सेट करना है कि आप ये किसके लिए बना रहे हैं। ये सेट दिस चैनल इज क्रिएट फॉर किड्स आर वेल सपोर्ट मेड फॉर किड्स, यानी ऐसे ही, जी हाँ मेरा जो चैनल है वो बच्चों के लिए है और मैं जो कंटेंट अपलोड करूँगा वो बच्चों का ही होगा। दूसरा ऑप्शन है नो सेट दिस चैनल इज मेड फॉर किड आई नेवर अपलोड कंटेंट दैट मेड फॉर किड, यानी मैं अपना चैनल बच्चों के लिए नहीं है और मैं कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं अपलोड करूँगा जो बच्चों का हो। उसके बाद है आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो, मेरे को ये जो सेटिंग है हर वीडियो के अंदर चाहिए। उसके बाद है गूगल लिंक अकाउंट, इधर से आप कोई भी अकाउंट लिंक कर सकते हैं, अगर करें तो भी कोई भी इशू नहीं है और अगर नहीं करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये आपके पास पोटेंशियल, ये सारी सेटिंग आपने छोड़ देनी है, इसमें से कोई छेड़खानी नहीं करनी है, एडवर्टाइजिंग ये सारा कुछ ये खुद होता है। उसके बाद आपको इधर फीचर एलिजिबिलिटी के बारे में, अभी ये मेन चीज़ है, सबसे मेन चीज़ जो होती है वो ये तीन चीज़ें होती हैं। अगर आप ये तीनों नहीं करेंगे तो अभी आपके इनके मैं फ़ायदे बताता हूँ और नुकसान भी बताता हूँ। अगर ये पहला आपके पास स्टैंडर्ड फीचर सेट नहीं होगा तो आप कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, प्ले लिस्ट क्रिएशन नहीं कर सकते, कोलेब्रेशन नहीं कर सकते, प्ले लिस्ट भी नहीं बना सकते और वीडियो जो प्ले लिस्ट के अंदर है उसमें कोई न्यू वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। तो ये तो खुद ही आप सकते हैं कि अनेबल्ड है अभी ये, इसका तो मतलब खुद ही जैसे आप चैनल बनाएंगे तो हो जाएगा। उसके बाद है ये इंटरमीडिएट फीचर्स, ये होती है सेकंड वेरिफिकेशन। अभी ये सेकंड वेरिफिकेशन क्या होती है वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे अभी ये एक अभी जैसे ये दूसरी वेरिफिकेशन है ये आपके बहुत काम आएगी, जैसे वीडियो लॉन्गर देन 15 मिनट्स, आप 15 मिनट से ज़्यादा बड़ी वीडियोस बना सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं होगी तो आप 15 मिनट से कम की वीडियो नहीं बना सकते। उसके बाद है कस्टम थंबनेल्स, कस्टम थंबनेल्स आप इसमें लगा सकते हैं और आपके जो इस वाले फंक्शन में आप नहीं लगा सकते, कोई भी कस्टम थंबनेल नहीं लगा सकते। उसके बाद सेकंड वेरिफिकेशन के बाद आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। अभी ये होगा कैसे, इसमें रिक्वायर्ड है कि आपको सिर्फ अपना फ़ोन नंबर चाहिए, स्टैंडर्ड फीचर्स अनेबल्ड हो या तो फिर फ़ोन नंबर। अभी आपका कंट्री जो है उसके हिसाब से फ़ोन नंबर से इधर आप जैसे ही क्लिक करेंगे अभी देख सकते हैं कि इधर फ़ोन वेरिफिकेशन यूट्यूब आ गया है। अभी ये कैसे होगा, इधर देखें अभी इधर आ रहा है टेक्स्ट मी का ऑप्शन और कॉल का ऑप्शन, आपको इधर टेक्स्ट मी कर देना है, अपना कंट्री सेलेक्ट करना है और इधर नंबर देना है और गेट कोड जैसे ही यूज़ करेंगे आपके इस नंबर पर कोड आएगा, वो आप इधर डायल करेंगे, आपका ये सेकेंड वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आता है ये एडवांस फीचर यानी थर्ड वेरिफिकेशन। अभी जब तक आप दूसरी वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक आपके पास ये नहीं खुलेगी। अभी इसमें आपको कुछ और फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे अपीलिंग कंटेंट आईडी क्लेम्स, आप किसी भी आईडी की क्लेम्स ले सकते हैं। उसके बाद क्रिएट मोर लाइव स्ट्रीम डेली, आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं और वैसे आप नहीं कर सकते जब तक आपकी थर्ड वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। अपलोड मोर वीडियोज़ डेली, आप डेली ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट मोर शॉर्ट्स डेली, आप शॉर्ट्स वीडियोस बहुत सारी अपलोड कर सकते हैं एक साथ
उसमें आप डेली एक या दो वीडियोस अपलोड कर सकते हैं और ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन थर्ड वेरिफिकेशन में आप बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद है एम्बेड लाइव स्ट्रीम्स। अभी इन लाइव स्ट्रीम्स को आप कैमरा के साथ, माइक के साथ, इन तरीके कैसे आप कर सकते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल लिंक्स इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। आपने देखा होगा कि किसी भी यूट्यूब की जो डिस्क्रिप्शन होती है, आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी जो यूट्यूबर्स होते हैं वो अपनी वीडियो में लिंक्स डालते हैं अपनी पुरानी वीडियोस का, जिससे उनके व्यूज़ बढ़ जाएँ। ठीक है, तो आप उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। अभी आप ये देखेंगे एक्सटर्नल लिंक्स इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। अभी डिस्क्रिप्शन में आप उनकी लिंक दे सकते हैं, जैसे आपको मैंने बोला। उसके बाद आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर जाएंगे, यानी जब आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम हो जाएगा तो आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, आपको इन सारे फीचर्स को अनेबल करना है, यानी ये वाले को आपको अनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद वीडियो, फिर इसमें अभी को तीन ऑप्शन है, अभी आपको इनमें से कोई भी एक करना है। या तो चैनल की हिस्ट्री आपको बतानी पड़ेगी इसकी पूरी की पूरी, कि आपने चैनल कैसे बनाया और क्या क्यों कैसे और किस लिए। और दूसरी है वैलिड आईडी, यानी आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट जो जिस पे आपका आईडी हो वो आप दे के इसको बना सकते हैं। दूसरी होती है वीडियो वेरिफिकेशन, ये बहुत ईजी है। अगर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियो वेरिफिकेशन करें, आपको ये वीडियो वेरिफिकेशन क्लिक करने के बाद कोई रिक्वायरमेंट देगा कि आप अपना फेस सीधा करें और ब्राइट फीचर में जाके आपसे दो तीन ये फ़ोटोज़ मांगेगा और कुछ भी नहीं मांगेगा और आपकी वीडियो वेरिफिकेशन हो जाएगी। अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ना कोई एक्स्ट्रा नंबर है और ना कुछ। उसके बाद अपलोड डिफ़ॉल्ट्स, अभी इसमें आपको विजिबिलिटी में जाके पब्लिक कर देना है, ठीक, बाकी इन सारे को छोड़ देना है, क्योंकि ये आपके वीडियो के हिसाब से आपका टाइटल आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगी और टैग्स भी लगेंगे। उसके बाद आपकी परमिशन है, परमिशन में आपको इधर इनविटेशन आप दे सकते हैं किसी को, मतलब। उसके बाद आपके पास इधर पांचवा ऑप्शन आएगा कम्युनिटी का। अभी इन चीज़ों को आप छोड़ दें क्योंकि इन चीज़ों से आपके चैनल का क्लोज हो सकता है, आपका इधर चैनल बहुत ज़्यादा क्लोज में आ सकता है। तो इधर आप डिफ़ॉल्ट में आ गए, अगर इधर आपके कमेंट्स से मोटिवेशन में बेसिक नहीं है, कुछ और है, होल्ड आल कमेंट्स से होल्ड पोटेंशियल इनपुट करें, होल्ड आर बॉर्डर रेंज पोटेंशियल इनपुट। अभी इधर आपको बेसिक से हटा के इधर होल्ड आल पे कर देना है, ठीक है, या फिर नॉन पे कर देना है आपको। इधर आप इधर बेसिक पे कर दें क्योंकि बेसिक पे आपको ये होगा कि आपको जो भी आएगा कमेंट वो सीधा आपके नोटिफिकेशन में आएगा। उसके बाद आता है हमारे पास एग्रीमेंट। अभी ये नहीं खोल सकता क्योंकि इसके लिए आपको तकरीबन एक से डेढ़ महीना यूट्यूब के लिए वेट करना पड़ेगा, उससे पहले ये नहीं खुलेगा। तो थैंक यू गाइस आपका इस वीडियो को देखने के लिए। आपको अभी ये पता लग गया होगा कि आप एक यूट्यूब की चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कैसे कर सकते हैं पूरे एक तरीके के साथ, एक पूरे स्टेप बाय स्टेप से आप वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जो यूट्यूबर्स हैं न्यू यूज़र्स जो होते हैं वो उसे डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं और देते हैं, ना उस पर कोई टैग्स लगाते हैं, ना उस पर कोई एलिजिबिलिटी, ना कोई रिस्ट्रिक्शन, बस डायरेक्ट अपलोड करना होता है उन्हें। तो आ रही है, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें।